अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो होने वाली है मदीने के अंदर सबसे बड़ी ट्रेन में जो स्टार होती है ना, वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप मेरा पीछे देख सकते हैं, ये वो टेंट है जिसके अंदर तकरीबन 1000 से 1200 आदमी आराम से बैठ के कैरी कर सकता है वन टाइम, ठीक है। और ये रास्ता जाती है बिल्कुल बाबे शरम की तरफ, ये रास्ता जा रही है बाबे शरम की तरफ जो हरम की मेन गेट है। ये वो टेंट है जिसके अंदर तकरीबन वन टाइम में 1000, 1200, 1300 आदमी इजीली इसमें इफ्तार कर सकता है, जिसमें लेडीज़ की अलग इंतज़ाम होती है और जेंट्स की अलग इंतज़ाम होती है। ये वाली टेंट है, मैं इसके अंदर अभी जाऊंगा आपको दिखाऊंगा। और ये मेन रास्ता है जो हरम की तरफ जाती है बाबे शरम की तरफ, यही वही रास्ता है जो बाबे शरम की तरफ जाती है, गेट नंबर 302, ये देखें, ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ ये टेंट के बारे में। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पे इंतज़ाम होती है और काफ़ी अच्छे इंतज़ाम होती है। तो ये जैसे देख सकते हैं ना, ये लेडीज़ के इंतज़ाम है यहाँ पे, और इसके पीछे जो है बिल्कुल वो जेंट्स का वो इंतज़ाम है, वो लाइन लगी होगी। तभी हम चलेंगे जेंट्स की तरफ और आपको दिखाएंगे। ये सारे होटल हैं, आपको साइड में दिख जाएंगे, लेफ्ट राइट में होटल सारे दिख जाएंगे। और ये काफ़ी बड़ी टेंट है, ये काफ़ी बड़ी टेंट है। तो मैं चल रहा अभी जेंट्स की तरफ, और इंतजामिया का गाड़ी देख सकते हैं आप, जो कि इफ्तार के लिए जो भी सारे सामान आते हैं उसकी गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्लीनिंग का बिल्कुल ही साफ सुथरा तरीका है, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है क्लीनिंग का। तो गाड़ी लगी हुई है, कुछ भी यहाँ पे गंदगी होती है तो ये लोग तुरंत यहाँ पे क्लीन करके गाड़ी में डाल के यहाँ से किसी दूसरे जगह पर चल जाते हैं। ये देखिए ऑपरेट करने वाला भाई साहब, यहाँ पे सारे इंतज़ाम बहुत अच्छी से की हुई है, इसमें कोई तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इतने बड़े लेवल पे इंतज़ाम करना और अच्छे से मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। इंतज़ाम करना तो इजीली कोई भी कर सकता है, और इसे मेंटेन करना ये बड़ी आप अपने आप में काबिलियत है, जिससे साफ़ सफाई का भी बिल्कुल पूरा ख्याल रखना। ये है लाइन जिसको फॉलो करके मैं जाऊँगा अभी अंदर और आपको दिखाऊँगा। और मैं अभी लाइन पर लगा हूँ, काफ़ी बड़ी लाइन है ये, तकरीबन 100 से 150 मीटर की लंबी लाइन है जो काफ़ी राउंड राउंड तो घुमा कर लगाए हुए हैं। ये लाइन देखें, काफ़ी बड़ी लाइन है, तकरीबन 200 से 250 मीटर की लंबी लाइन होगी। ये यहाँ से जाके बिल्कुल फिर वापस आके फिर ये सारे बिल्डिंग के पीछे घूम रहा, काफ़ी बड़ी लाइन है, इसे फॉलो करके अपने को जाना है अंदर। ये रही मेन गेट, अब यहाँ से अंदर हो जाऊँगा। ये देखें कितने बड़े लेवल पे इंतजाम किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इंतजाम करते हैं ये लोग। इसके इस ट्रेंड के अंदर मैं बिल्कुल भी गर्मी सा फील नहीं हो रहा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, सारे एसी लगा हुआ है, तो अगर आप इसके अंदर आएंगे तो बिल्कुल भी गर्मी का फील नहीं होगा। और ये मेडिकल टीम भी है, ये देखिए नर्स डॉक्टर सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो बॉक्स में मिला ना, ये इफ्तार बॉक्स में जो मिला वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो पानी है, एक जूस है, एक केक है, और एक ये सैंडविच टाइप का है, और एक खजूर का पैकेट है छोटा सा, और इसमें बिल्कुल एक बिरयानी पैक है। ये सारी फैसिलिटी होती है इफ्तार बॉक्स के अंदर, क्योंकि एक आदमी
आदमी आराम से इफ्तार कर सकता है, बिल्कुल उसकी पेट भर जाएगी इसमें, ये इनफ देगा आदमी के लिए। ये हमारी बॉक्स है, ये पैकेज है। तो भाई मैंने इफ्तार कर लिया है और मस्जिद नबी में बैठा हूँ अभी, और नमाज भी अदा कर लिया है, और अभी बस चाय पी के चलेंगे बाहर, और आपको दिखाएंगे फिर से उसी जगह पर चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें और तकसीम हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं फिर चाय पीने के बाद। ये देखे लाइनें काफ़ी लगी हुई है, अभी भी ये जो लाइनें देख रहे हैं ना, ये अभी इफ्तार के बाद की लाइनें हैं, जो बिरयानी वगैरह मिलेगा, बहुत सारा कुछ होता है जो मिलता है इसमें भी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इफ्तार कर चुका हूँ, मेरी मैं फुल हो गया हूँ। ये जो आप सामान देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ अभी जो भी लाइन में लगेगा तो उसे ये पूरी सामानें मिलेगी, साथ में बिरयानी भी मिलेगी, तो मैंने इफ्तार में ले लिया था, अगर अभी भी जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगी, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लाइन में नहीं लगा। और ये सारी चीज़ें होती है जो आपको इनफ है पूरे रमज़ान, तो ये सारी चीज़ें होती है जो अब पूरे रमज़ान के लिए इनफ होती है, एक दिन के लिए एक बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। इफ्तार में भी काफ़ी सारा सामान मिल जाता है और इफ्तार के बाद भी मिलता है, तो ज़्यादा लेने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि उतना खा नहीं पाएगा एक बंदा, इसकी वजह से मैंने नहीं लिया। और काफ़ी लंबी लाइनें थी, काफ़ी भीड़ थी, मैं सोचा कि लेके दिखा दूँ, पर लाइनें काफ़ी लंबी थी इसलिए मैंने नहीं लिया, उसे अवॉइड कर दी। तो ठीक है, और ये मेरी कोशिश थी, छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं आपको दिखाऊं मदीने के अंदर की जो बड़ी टेंट में इफ्तार होती है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई सी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो क्लोज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।